नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ, CRPF न्यू भर्ती। तो दोस्तों, CRPF के हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर नई भर्ती आई हुई है, जहाँ पर 1314 पोस्ट दिए हुए हैं। एज लिमिट है दोस्तों आपके यहाँ पर 18 से 32 साल। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं पहले ही बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने 10 फरवरी 2020 यानी कि कल ये वीडियो बना के अपलोड की थी। तो दोस्तों, अभी आप सोचेंगे कि इस वीडियो के लिए बनाने का मेरा दोबारा से क्या मकसद है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं दोबारा से इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, मेरे चैनल पर काफ़ी कमेंट्स आने लगे कि भर्ती फेक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां पर है, या फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आने लगे, जो कि दोस्तों सरासर गलत है। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पार्ट सेकेंड करके लिखा हुआ है। तो पार्ट सेकेंड में मैं आपके लिए ये बताऊँगा दोस्तों कि ये जो मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी कल, वो वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं थी, भर्ती बिल्कुल भी फेक नहीं थी। तो इस भर्ती में, इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपके लिए CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलूँगा और वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन उन्होंने दी है, वो नोटिफिकेशन आपको मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि जो CRPF की वीडियोज़ चल रही हैं यूट्यूब पर, ये फेक न्यूज़ है, तो दोस्तों बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये जो वैकेंसीज हैं वो सच में निकली हुई हैं और CRPF की ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले तो मैं आपको CRPF की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट के उस लिंक पे, जहाँ से हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ वेबसाइट पर। यहाँ लिखा हुआ है CRPF हेड कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। और अब मैं आपके लिए CRPF की जो 1412 हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस वीडियो में पार्ट सेकंड बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं उस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जो कि CRPF ने खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जारी की गई है। तो दोस्तों, हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन पर, हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा। मैं आपके सामने ही लाइव कर रहा हूँ, इसमें कोई भी एडिट वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज डाउनलोड होकर हमारे सामने आ गया है। ये साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल CRPF, यानी कि डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से ये जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है, ये ओपनिंग दोस्तों 7 फरवरी 2020 से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में आपकी क्लोजिंग डेट होगी 6 मार्च 2020। और दोस्तों, आपका रिटर्न एग्जाम जो होगा वो होगा 19 अप्रैल 2020 के लिए। तो 19 अप्रैल 2020 के लिए CRPF का ये रिटर्न एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो इसी, अभी आपको शायद ये विश्वास तो हो गया होगा कि सिलेक्शन फॉर की जो CRPF की तरफ से ये जो वैकेंसी 1400 कुछ पोस्ट पे निकली हुई हैं, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, क्योंकि मैं आपको CRPF की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसके लिए मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये वैकेंसीज फेक हैं। तो अभी जान लेते हैं इन वैकेंसीज के बारे में कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, वैकेंसीज हैं यहाँ पे हेड कांस्टेबल की मेल कैंडिडेट्स के लिए 1331 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 81 पोस्ट हैं। टोटल 1412 टोटल पोस्ट होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल भी दी हुई है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो जनरल के लिए यहाँ पर 1031 पोस्ट हैं, SC के लिए 200 पोस्ट हैं और ST के लिए 100 पोस्ट हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक कुछ बैड न्यूज़ है कि यहाँ पर OBC के लिए कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। फीमेल के लिए वहीं पर दोस्तों टोटल 81 पोस्ट हैं, जनरल के लिए 63 और SC के लिए 12 और ST के लिए 6 पोस्ट हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल पोस्ट होती हैं ये 1412। यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास दिया हुआ है दोस्तों, और आपकी एज होनी चाहिए 32 साल, मैक्सिमम 32 साल, मतलब 18 से 32 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और 1 अगस्त 2019 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा दोस्तों, रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और आपका होगा मेडिकल एग्जाम। तो यहाँ पर आपका जो रिटन एग्जाम का सिलेबस होगा उसको मैं बता देता हूँ। जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी 60 मार्क्स की होंगी, प्रोफेशनल नॉलेज होगी दोस्तों आपकी 70 मार्क्स की, और लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल होगा आपका 30 मार्क्स का। तो यहाँ पर टोटल 160 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है दोस्तों। उसके बाद में आपको हाइट होगी दोस्तों, यहाँ पर फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर। उसके बाद में दोस्तों, कैंडिडेट्स जो
हिल एरिया के रहने वाले हैं उनके लिए जैसे गोरखास, गढ़वालीस, कुमाऊनीस, डोगरास, मराठास, तो इनके लिए दोस्तों जो हाइट होगी वो 165 सेंटीमीटर होगी और फीमेल के लिए जो हाइट होगी वो 155 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में दोस्तों जो कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं दोस्तों उनके लिए भी हाइट में यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो यहाँ पे जो मेल हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर और जो फीमेल हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट मांगी जाएगी। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। चेस्ट आपका होगा दोस्तों 80 सेंटीमीटर जनरल के लिए और जो मैंने ऊपर स्टेट्स के नेम बताए और कुछ जैसे गढ़वालीस बताया मैंने, कुमाऊनीस बताया, गोरखास बताया, उनके लिए 78 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना अनिवार्य है। फीमेल के लिए दोस्तों चेस्ट होगा 85 सेंटीमीटर और ये जो स्टेट्स हैं इनसे और जो मैं बते पहले ही बता चुका हूँ गोरखास, कुमाऊनीस, गढ़वालीस हैं उनके लिए 83 सेंटीमीटर। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिजिकल टेस्ट होगा वो 100 मीटर स्प्रिंट होगा दोस्तों आपका रेस 16 सेकंड में फॉर मेल के लिए और 100 मीटर रेस होगी वुमेन के लिए 18 सेकंड में। उसके बाद में 1.6 किलोमीटर रेस होगी 6 मिनट 30 सेकंड में और वुमेन की 800 मीटर रेस होगी 4 मिनट में। उसके बाद में दोस्तों लॉन्ग जंप होगी 12 फिट आपकी, आपके लिए इसमें 3 चांस मिलेंगे और लॉन्ग जंप फीमेल के लिए होगी दोस्तों यहाँ पे 9 फिट, यहाँ पर भी आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप मेल के लिए होगी 3 फिट 9 इंच और यहाँ पर भी आपको 3 चांस दिए जा रहे हैं और हाई जंप फीमेल के लिए होगी ओनली 3 फिट, जिसके लिए इनके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपका जो आगे बता दे रहा हूँ दोस्तों उसके बाद में आपके ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है इस ऑफिशियल जो ये लिंक है इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए जो भी आपको कमेंट है, आपको डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका हर डाउट के लिए क्लियर करूँगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपकी एप्लीकेशन के लिए भरने के लिए आपको एक नोटिफिकेशन जो CRPF की तरफ से अपलोड की गई है उनकी वेबसाइट पर, तो आप वहाँ पर जाकर CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या हमारे चैनल के ये जो वीडियो देख रहे हैं आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, तो ये नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बताऊँगा आपके लिए, बताने को बस बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो आप मुझसे पूछ लें। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं वो सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो हैं केवल, अभी यहाँ पे फेक न्यूज़ दोस्तों लोग क्यों बता रहे हैं कि फेक न्यूज़ ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं वो किसी सिविलियंस के लिए नहीं हैं, ये केवल उनके लिए हैं जो सर्विंग पर्सनल हैं। जैसे ही आप यहाँ का सब्जेक्ट पढ़ेंगे सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल GD CRPF थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2019, मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम है ये और डिपार्टमेंट में जो लोग पहले से ही CRPF में किसी लोअर पोस्ट पे कार्यरत हैं वही इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पैरा में भी दोस्तों दिया हुआ है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम सर्विंग मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, जो दोस्तों ड्यूटी में बुगलर हैं उसके बाद माली हैं, पेंटर हैं, उनके लिए ये है। अगर वो जैसे कोई माली है, पेंटर है या बुगलर है तो वो अगर हेड कांस्टेबल की पद के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इस वीडियो के माध्यम से उनके लिए ये खबर पहुंच गई तो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वो माली से, पेंटर से डायरेक्ट हेड कॉन्स्टेबल के पद के लिए प्रमोट हो सकते हैं। तो इसलिए इस न्यूज़ के लिए फेक न्यूज़ बताया जा रहा था कि क्योंकि किसी ने भी चैनल ने ये नहीं बताया कि ये केवल डिपार्टमेंटल एग्जाम है, सबने बोल दिया कि ऑल इंडिया के लिए भर्ती है, तो ये भर्ती दोस्तों ऑल इंडिया के लिए नहीं है, ये केवल डिपार्टमेंटल भर्ती थी। तो अगर आपके लिए फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही, एक बार मैं आपको डेट और बता दे रहा हूँ, ओपनिंग डेट आपके 7 फरवरी 2020 और क्लोजिंग डेट है 6 मार्च 2020, रिटर्न एग्जाम होगा आपका 19 अप्रैल 2020 के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।